बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइल्स फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वांटाइल्स फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो थी वो कैलकुलेट करना सिखाया कि किस तरह हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या अनग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट वेरिएबल की जो पहचान है क्वेश्चन में, डिस्क्रीट वेरिएबल इधर हम काउंटेबल वेरिएबल को डिस्क्रीट कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस है क्वेश्चन में, डिस्क्रीट की जो पहचान है, एक ये नंबर ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ साइज ऑफ शूज़ वाले जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इनके अलावा जितने भी वेरिएबल्स के नाम यूज़ होंगे उन्हें हम कंटिन्यूसली कंसीडर करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ हेड्स जो है उनका डेटा जो है वो क्वेश्चन में दिया गया, और हमने फाइंड क्या करना है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, फोर्थ डिसाइल एंड 85th परसेंटाइल। लोअर क्वार्टाइल मींस फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1। तो इसका हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। Q1 का जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो है समेशन एफ प्लस वन ओवर फोर्थ वैल्यू। Q3 का जो फार्मूला है 3 × समेशन एफ प्लस वन ओवर फोर्थ वैल्यू। लोअर क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, अपर क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3, फोर्थ डिसाइल D4, D4 का फार्मूला है 4 × समेशन एफ प्लस वन ओवर टेंथ वैल्यू। 85th परसेंटाइल मीन्स P85, और इसका फार्मूला है 85 × समेशन एफ प्लस वन ओवर 100। क्वार्टाइल्स क्योंकि एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल्स के फार्मूले में डिनोमिनेटर में 4 आता है। डिसाइल जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए डिसाइल के फार्मूले में डिनोमिनेटर में 10 आता है। और परसेंटाइल्स एक सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए परसेंटाइल के फार्मूले में डिनोमिनेटर में 100 आता है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन है, जो इसका सोल्यूशन है, उसमें जो प्रोसीजर है, इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो कैलकुलेट करना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट करने के बाद फार्मूला यूज़ करते हैं, और फार्मूले का जो आंसर आता है हम उस वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में किस वैल्यू में वो वैल्यू फॉल कर रही है। तो जिधर वो कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करेगी उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्वांटाइल्स का आंसर होगा। तो इसमें हमने एक ही कॉलम कैलकुलेट करना है, वो है CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ हेड जो वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट कर लेते हैं, और उसकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं 14, 56, 70, 38, 18 एंड 4। f की वैल्यूज़ को हम ऐड करके पहले समेशन f फाइंड कर लेते हैं। 14 + 56 + 70 + 38 + 18 + 4, तो समेशन f का टोटल आ गया जी 200। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम f के कॉलम से कैलकुलेट करते हैं। F की फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं 14 + 56। CF की सेकंड वैल्यू आ गई 70, और ये जो सेकंड वैल्यू है इसमें हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है 70 + 70, तो ये आ गया 140 + 38
सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 178, 178 में हम ऐड करेंगे 18 को, तो ये आ गया 196, 196 में ऐड करेंगे 4 को तो ये आ गया 200। सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ़ का टोटल, सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ़ का टोटल जो है वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम सी एफ का कॉलम कैलकुलेट करने के बाद पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि क्यू वन, लोअर क्वार्टाइल जो है क्यू वन फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला है समेशन एफ प्लस वन ओवर फोर्थ वैल्यू। समेशन एफ इज 200, 200 प्लस वन ओवर फोर्थ वैल्यू, तो ऊपर दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 201 आ गया। 201 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 201 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 50.25 वैल्यू। अब हमने सी एफ के कॉलम में देखना है कि 50.25 वैल्यू किस वैल्यू में फॉल कर रही है। सी एफ की फर्स्ट वैल्यू जो है वो इंडिकेट कर रही है फर्स्ट 14 वैल्यूज़ को, और सेकंड जो है वो फर्स्ट 70 वैल्यूज़ को। हमारे वाली जो वैल्यू है वो है 50.25, तो 50.25 70 में फॉल कर रहा है, तो 70 के सामने जो x की वैल्यू है, 70 के सामने जो x की वैल्यू है वो है 1, तो Q1 का आंसर आ गया 1। Q1 इज़ द वैल्यू ऑफ x अगेंस्ट द सी एफ इन विच 50.25 लाइज, तो Q1 जो है वो वैल्यू है x की, वो वैल्यू जिसके सामने वाली सी एफ की वैल्यू में ये आंसर जो है वो लाई करेगा, तो 50.25 70 में फॉल कर रहा है और 70 के सामने जो x की वैल्यू है वो 1 है, इट मींस कि Q1 का आंसर आ गया 1। इसके बाद हमने अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 कैलकुलेट करना है। Q3 का फार्मूला है 3 इंटू समेशन एफ प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। समेशन एफ इज 200, 200 प्लस 1 ओवर 4, 200 प्लस 1, 200 1 आ जाएगा, 200 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50.25। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50.25 से तो ये आ गया 150.75 वैल्यू। अब 150.75 को सी एफ के कॉलम में देखेंगे किस वैल्यू में फॉल कर रही है, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्यू थ्री का आंसर होगा। तो अगेन शुरू से ये स्टार्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट 14, फर्स्ट 70, फर्स्ट 140, 140 तक इधर वैल्यूज हैं और हमारे वाली वैल्यू 150.75 है। इधर तक है फर्स्ट 178 यानी 178 तक वैल्यूज़ जो है, तो ये 150.75 178 में फॉल कर रहा है, इसके सामने जो x की वैल्यू है 3, तो 3 जो है वो Q3 का अपर क्वार्टाइल का आंसर आ गया 3। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी D4। D4 इज इक्वल टू 4 इंटू समेशन f प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। समेशन एफ की जगह 200 पुट करेंगे, 200 प्लस 1 ओवर 10, 200 और 1 को ऐड करेंगे तो 201 ओवर 10, 201 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो ये आ जाएगा 20.1, 20.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80.4th वैल्यू। अब 80.4th वैल्यू को देखते हैं, 80.4 जो है वो सी एफ की किस वैल्यू में फॉल कर रहा है। 80.4 जो है वो 140 में फॉल कर रहा है, तो 140 के सामने जो x की वैल्यू है वो है 2, इट मींस डैट D4 इज इक्वल टू 2, ये D4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट पे हमने फाइंड करना है P85। P85 इज इक्वल टू 85 इंटू समेशन एफ प्लस 1 ओवर 100। 85 इंटू 200 प्लस 1 ओवर 100। 200 और 1 को ऐड करेंगे तो 201 आ जाएगा, उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे, 201 आ गया, 201 को हमने डिवाइड करना है 100 पे तो ये आ जाएगा 2.01। 85 मल्टीप्लाई बाय 2.01 और 2.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ तो ये आ जाएगा
170.85। अब 170.85 वैल्यू को हम CF के कॉलम में गेन देखेंगे, 170.85 वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है 178 में, तो 178 के सामने जो X की वैल्यू है 3, ये P85 का आंसर आ गया 3। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करना सीखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।